सर्वप्रथमस्यां कक्षायां This call is now being recorded. अयं कक्षा प्रारभ्यते इदानीं सूत्रमस्ति ओमांगोश्च ओमियांगि च आत्परे पररूप मेकादेशः स्यात् इति अस्य सूत्रस्य अर्थः वर्तते अयम् अर्थः कुतः आगतः इति जिज्ञासायां अस्य समग्रम स्वरूपम समक्षम आनीयते ओमांगोः इति एकं पदं च इति द्वितीयं पदं वर्तते आहत्य द्विपदात्मकम् इदं सूत्रं वर्तते अस्मिन् सूत्रे आद्गुणः इति सूत्रात् आत् इति पञ्चम्यन्तं पदम् अनुवर्तते एकः पूर्वपरयोः इत्यस्य अधिकारः अस्ति अथ च एङ् पररूपम् इत्यस्मात् सूत्रात् पररूपम् इत्यनुवर्तते एतदेव सूत्रं तादृशं वर्तते यत् यावत् एतत् सूत्रपर्यन्तम् आद्गुणः इति सूत्रादारभ्य छ एक सतासी छठवें अध्याय के पहले पाद के सतासीवां सूत्र है आदगुण और वहां से आद की अनुवृत्ति चलती है और वृद्धिरेचि उपसर्ग धृतिधातु एंग पर रूपम यत्यधत्युत्सु इत्यादि सूत्रों से आवृत होती हुई सीधी यहाँ छह एक पचानवे तक आती है। ये अष्टाध्यायी का क्रम है और इस क्रम के अनुसार यह यहां तक आती है आत की अनुवृत्ति। फिर अष्टाध्यायी का क्रम थोड़ा सा आगे बढ़ता है तो आत की अनुवृत्ति सिद्धांत कौमुदी में यहीं तक इसी छह एक पचानवे तक आत की अनुवृत्ति आती है। खैर अर्थ निकला ओम और आंग पर में हो तो ओम च आंग च इति ओमांगौ तयोः ओमांगोः परयोः ओम और आंग दोनों में से कोई भी एक पर में है तो कस्मात् परः परयोः तो आद्गुण सूत्र से आद की निवृत्ति आती है तो अर्थ निकलता है आत् परे ओमांगोः ओम और आंग च आत् परे ओम अथवा आंग दोनों में से कोई यदि अकार से परे है तो पूर्व पर के स्थान पर रूप एकादेश होता है। यह इस सूत्र का अर्थ निकला। अब उदाहरण देख लीजिए शिवाय अग्रे ओम नमः तो यहां पर वृद्धिरेचि से वृद्धि होनी चाहिए थी क्योंकि अवर्ण से एच पर में है वृद्धि होनी चाहिए थी पर वृद्धि न होकर के यह सूत्र प्रवृत्त हो जाता है ओमांगोश्च ओम पर में हो अवर्ण से ओम पर में हो तो पूर्व पर के स्थान पर रूप एक आदेश होगा और प्रयोग बन जाएगा पर रूप होकर के शिवाय ओम नमः नहीं तो ये पररूप करने वाला सूत्र नहीं होता तो यहाँ दीर्घ होता वो वृद्धि होती इस तरह से पररूप करके शिवायोम नमः। और दूसरा उदाहरण है शिव ए ही शिवे ही यहाँ पर आम उपसर्ग पूर्वक तीर्णगत धातु से ई ही रूप बनता है शिव आ इही तो आग्रे इही यहां पर पहले गुण का कार्य प्राप्त है और शिव अग्रे आ यहां पर ओमांगोश्च से या आकाश वर्ण दीर्घ से दीर्घ प्राप्त है तो क्या करें पहले शिव अग्रे आ में दीर्घ करें आ अग्रे ई ही में गुण करें
ये बात यहाँ ये जानने की है कि पूर्वम धातु उपसर्गेण युज्यते पश्चात साधनेन। और धातु उपसर्गयो कार्यम अंतरंगम अन्यत बहिरंगम। ये जो धातु उपसर्गयो कार्यम अंतरंगम अन्यत बहिरंगम ये जो न्याय है वह न्याय पूर्वम धातु उपसर्गेण युज्यते पश्चात साधनेन, ये भाष्यकार की इस पंक्ति के ऊपर ही यह न्याय बनाया गया है, क्योंकि भाष्यकार ने कह दिया कि पहले धातु का उपसर्ग से योग होगा, इसलिए धातु उपसर्गयो कार्यमंतरंगम कह दिया गया। धातु उपसर्गयो कार्यमंतरंगम यह फलितार्थ है। तो इस तरह से आपने देखा धातु है इह में इणगतो धातु है और आंग उपसर्ग है, धातु और उपसर्ग का जो कार्य है गुण रूपी कार्य वो अंतरंग है, तो पहले वो हो जाएगा तो आ और ई ही मिलकर के ए ही बन जाएगा, शिव अग्रे ए ही। ऐसी स्थिति में अब यहाँ पर वृद्धिरुचि से वृद्धि प्राप्त है, पर उस वृद्धिरुचि से प्राप्त वृद्धि को यह सूत्र रोक लेगा। ओम और आंग पर रहते पर रूप होता है, तो यहाँ तो न तो ओम परे है न आंग परे है, यहाँ तो ए ही परे में है, तो कथम अत्र पर रूपम भविष्यति। तो वो ही अंताधिवच्छ सूत्र को लेके आएंगे, यो यम एकादेशा स पूर्वस्यात्वत् परस्यादिवत्। तो गुरुजी, एक जिज्ञासा। हाँ गुरुजी एक जिज्ञासा, बोलिए बोलिए। हाँ मान लीजिए शिवो आ ही, तो पहले अ को सवर्ण दीर्घ हाँ करके शिवा कर दीजिए ना, ये क्यों नहीं होता है? नहीं, धातु उपसर्गयो कार्य अंतरंगम, धातु और उपसर्ग का जो कार्य है वह अंतरंग है। शिव अग्रे आमे कौन सी धातु है, कोई धातु ही नहीं है। मैंने तो हम लोग तो मैंने संधि करना है, तो वर्णों का मिलन करना है। नहीं, अच्छा अच्छा भाष्यकार ने कहा है पूर्वम धातु उपसर्गेण युज्यते पश्चात साधनेन। मुझे मालूम था, मैं इसीलिए रुका, मैंने कि शायद हमारे भट्टाचार्य जी कुछ न कुछ पूछेंगे। तो भाष्यकार का वचन है कि धातु और उपसर्ग है ना, धातु और उपसर्ग का कार्य जो होगा वो पहले होगा, अतः हम धातु और उपसर्ग का कार्य यहाँ पर गुण रूपी एकादेश रूपी कार्य है, अतः वह पहले करेंगे। इसी पूर्व धातु उपसर्ग के पश्चात साधने ना, ये भाष्यकार के वचन के आधार पर ही ये न्याय बनाया गया है कि धातु उपसर्गयो कार्यमंतरंगम अन्यत बहिरंगम। इसलिए धातु और उपसर्ग को निमित्त मान करके होने वाला कार्य है, आदगुण से होने वाला गुण रूपी कार्य, तो उसको हम पहले कर लेंगे, उसके बाद फिर हम श्रवण दीर्घ करेंगे। तो यहाँ श्रवण दीर्घ हो जाता है, श्रवण दीर्घ की स्थिति फिर रहती नहीं है, गुण होने के बाद श्रवण दीर्घ की स्थिति आती नहीं है। तो दूसरी बात यह है कि शिवायम ओमांगोश्च सूत्र में आंग का उदाहरण देने के लिए आप ये कह सकते हो कि शिवायम ओमांगोश्च सूत्र में आम का उदाहरण कोई और भी बनाया जा सकता है जहां पर इस प्रकार की स्थितियां ना आए। तो ऐसा उदाहरण कुछ खोज करके लाइए कि जहां पर एक साथ स्थिति आए तो वहां आप कर सकते हो श्रवण दीर्घ इत्यादि कर सकते हो। शिव अग्रे आ अग्रे ई न होता तो वहां आप ऐसा कर सकते थे, पर यहाँ तो ऐसी स्थिति नहीं है, अतः अब यहाँ एकादेश होने के बाद अंताधिपत्य सूत्र के द्वारा हम यहाँ ओम को ही
यहाँ जो आंग है भूतपूर्ववर्ती, पहले वहां आंग था, उस आंग को पराधिविध भाव से आंग तुला करके, और उसमें आंग बुद्धि, ए में हम आंग बुद्धि कर लेंगे और आंग पर मिल जाएगा, तो यहाँ पर रूप एकादेश होकर के शिवे ही यह प्रयोग बनता है। ये अवेही की चर्चा पहले आ चुकी है। अवेही में ये बात पहले हम कर चुके हैं, अतः मेरे मन में वही कुछ बातें आ रही थी। तो अवेही में जिस प्रकार से पररूप हुआ था, पहले ये चर्चा की थी, इसी तरह से शिवेही में ही भी पररूप हो जाएगा, तो शिवेही प्रयोग बन जाएगा। आगे सूत्र है अव्यक्तानुकरण स्यात् इतौ, पररूप संधि का कार्य चल रहा है तो पररूप करने वाला एक और सूत्र आ गया, अव्यक्त के अनुकरण से अव्यक्तानुकरणस्य, अव्यक्त का यदि अनुकरण है, उस अनुकरण का जो अत शब्द अव्यक्तानुकरणस्य आत इतौ, तो अव्यक्तानुकरण से यदि षष्ठ्यन्तम, आता यदि पंचम्यन्तम, और अतः यदि पंचम्यन्तम, इतौ इति सप्तम्यन्तम, इस तरह से अव्यक्त का अनुकरण। अव्यक्त माने ध्वनि व्यक्त भी होती है और अव्यक्त भी होती है, तो अव्यक्त जो ध्वनि है उसका जहां अनुकरण हो, और वहां पर यदि अत शब्द है तो उस अत शब्द से परे यदि इति शब्द पर में हो, तो पूर्व पर के स्थान पर पररूप एकादेश होता है, ये अर्थ निकलता है। उसी अर्थ को श्रीमद् भट्टोजी दीक्षित जी ने ग्रंथकार ने लिखा है कि ध्वनेर अनुकरणस्य यो अत शब्द, उस अत शब्द से परे यदि इतौ शब्द माने इति शब्द पर में है, तो पूर्व पर के स्थान पर पररूप एकादेश होता है, पठत इति पठिति, पठत इति यहाँ पर इति शब्द पर में है और पठत में अत है। पठत क्या है? पठत क्या है? जैसे वृक्ष गिरा, गिरने पर जो ध्वनि हुई वृक्ष पतितः, तो उस वृक्ष के गिरने की ध्वनि को किसी ने देख लिया, सुन लिया, तो किसी ने पूछा क्या हुआ, तो कहा पटिति वृक्ष पतिता, पटिति वृक्ष जो गिरा तो पटिति ध्वनि हुई, तो पट से ही ध्वनि हुई, तो ये जो पट से ध्वनि होना है उसका अनुकरण करके वो बोल रहा है, तो ये अव्यक्त की, अव्यक्त ध्वनि की अनुकरण होने के कारण वृक्ष कथम पतिता, तो कहा पटिति पटिता पटिति, तो पटत इति पटिति, पटत इति पतिता, वृक्ष जब गिरा तो एकदम पटत से ध्वनि हुई, उस ध्वनि का ही अनुकरण करके, यहाँ पर अव्यक्त ध्वनि है उसका अनुकरण करके वह व्यक्ति बोल रहा है कि पट इति पटत इति। अब यहाँ पर रूप करेंगे तो तो जो जो अव्यक्त है वो कैसे अनुकरण किया, जो अव्यक्त है वो कैसे व्यक्त किया? वो उसकी ध्वनि को बोल रहा है, उस ध्वनि को बोल रहा है पट से गिरना, जब आवाज होती है तो पट से आवाज आती है, उसी पट से आवाज होने वाली आवाज को ही वह व्यक्त करके बोल रहा है, पटिति पटत इति। मान लीजिए जो पटाखे पटाखे जो तो फटते हैं, तो तुम्हारे पटपट शब्द होता है, तब क्या होगा? नहीं, कोई भी ध्वनि हो, हमें इससे मतलब नहीं है, जब रेलगाड़ी चलती है अव्यक्त तो अव्यक्त ध्वनि होती है। अव्यक्त से क्या लेना है गुरु जी? अव्यक्त का मतलब जिसका कोई अर्थ सामने नहीं आए। जी अरे अव्यक्त का मतलब होता है जिसकी ध्वनि व्यक्त रूप में सुनाई न पड़े, सुनाई न पड़े, रेलगाड़ी चलती है तो जी वो अपनी चुप जाती है, चलती है, स्कूटर चलता है, रेलयान चलता है, हवाई
है ऊपर, वायुयान जब गड़गड़ की आवाज आती है तो उसमें यदि शब्द दिखाई पड़े तो अक्ष को, यदि इस शब्द पर मैं हूं तो पूरे को पररूप हो जाता है, ऐसा कहना है। अतः पटक थी पटी थी, पटक का जो अर्थ है उस पूरे को पर के रूप में बदल जाएगा, पर में है ई के रूप में बदल जाएगा, पट का ट हल हो जाएगा, तो पटी थी यह प्रयोग बन जाएगा। पर यह नियम सर्वत्र नहीं है, एकाचो नौ है ना, एकच वाला यदि कोई अव्यक्त अनुकरण ध्वनि है तो वहां पर प्ररूप नहीं होगा। वार्तिक आ गई एकाचो नौ, जैसे श्रत इति, श्रत इति, अब श्रत में जो एकच वाला ही है, ये श्रत किसका अव्यक्त अनुकरण है मालूम है? जब पानी चलता है, नदी में पानी बहता है और वेग से बहता है तो सर सर की आवाज आती है, सर सर पानी निकल जाता है। अब उस पानी के वेग से चलने वाली सर सर ध्वनि को ये श्रत इति ऐसा वो बोल करके दिखा रहा है, तो श्रत में अत है, तो इस पूरे अत को अव्यक्तानुकरणस्यात इतव सूत्र के द्वारा पररूप प्राप्त था, उस पररूप का, प्राप्त पररूप का यहाँ पर इस वार्तिक वचन के द्वारा निषेध कर दिया जाता है। यदि अव्यक्तानुकरण ध्वनि एकच वाली है तो वहां पर पररूप नहीं होगा, इसलिए श्रत इति श्रदिति, श्रदिति ऐसा प्रयोग बन जी जाता है। अब आगे चलते हैं, नया सूत्र आ रहा है, नाम्रेण तस्यां तस्य वा न आम्रेडितस्य अंत्यस्य तुवा, माने इसका दो प्रकार से अन्वय करना। आम्रेडितस्य तु न पररूपम इत्यर्थः, आम्रेडित संज्ञक को तो पररूप नहीं होगा, परंतु अंत्यस्य तु, आम्रेडित में यदि अंत में त आ जाता है, अंत्यस्य तु तकार मात्रस्य वा स्यात्, अंत में यदि तकार आ जाता है तो केवल तकार मात्र का प्ररूप करने वाला यह सूत्र है, वो भी विकल्प से। ये आम्रेडित क्या होता है हम आगे बताने वाले हैं। डाचि बहुलम होता बहुल वचना द्वित्वम, डाच पर डाच प्रत्ययांत जहां शब्द होते हैं तो वहां विकल्प से द्वित्व हो जाता है। अब सूत्र जी तस्य परमाम्रेडितम, तस्य परमाम्रेडितम इत्यत्र आम्रेडित संज्ञा करने वाला सूत्र है, द्विरुक्तम द्विरुक्तस्य परम रूप आम्रेडित संज्ञम स्यात्, है ना, जहां दो प्रकार से द्विरुक्त कह दिया गया हो, दो प्रकार से कह दिया हो तो उसमें जो पर वाला रूप होगा उसकी आम्रेडित संज्ञा होगी। अब उदाहरण देखिए, पटत पटेति, पटत पटत इति, अब यहाँ द्विरुक्त हो रहा है, जैसा कि हमारे भट्टाचार्य जी ने पहले आशंका जताई कि पटक पटक कहे तो पटक इति ऐसा अनुकरण करेंगे तो पटिति प्रयोग बन गया, और पटक पटक इति ऐसा अनुकरण करते हैं तो क्या होगा, तो उदाहरण दे रहे हैं कि जहाँ क्या हो रही है, पटक पटक में जो दो शब्द हैं उनमें से जो पर रूप है, पर वाला जो रूप है वह आम्रेडित संज्ञक हो जाएगा तस्य परमाम्रेडितम के द्वारा, और उस आम्रेडित के को प्रागुक्तम न स्यात्, या ध्वनिर अनुकरण स्यात् इतव सूत्र के द्वारा जो पररूप प्राप्त था वह पररूप नहीं होगा, पर अंत्यस्य तु तकार मात्रस्य वा स्यात्, उसमें अंतिम जो तकार है पटत में, पटत पटत में जो द्वितीय जो पटत शब्द है उसका जो तकार है वह अंतिम तकार होगा, उसको तो विकल्प से पररूप होगा, केवल तकार को, ये पूरा इसलिए केवल तकार को प्ररूप करने के लिए इतना सारा व्यायाम करना पड़ा, इसलिए पटत पट पटत इति, अब यहां पर केवल तकार को पर के रूप में बदल देंगे तो पररूप होने के बाद पटत पट इति बन जाएगा, अब यहां पर गुण होकर के पटत पटेति प्रयोग बनेगा, पटत पटेति।
अब आप यहाँ प्रश्न कर सकते हो कि प्ररूप करने गुणा से कैसे कर दिया, यदि गुण ही करना था तो प्ररूप क्या थी, सीधा तकार को ही कोई दूसरे प्रकार का काम कर सकते थे। तो इसका आगे दो रूप बनाने हैं, एक ही रूप नहीं बनाना है, विकल्प से तकार को प्ररूप करना है। यदि एक ही रूप बनाना होता तो शायद हम कोई उपाय दूसरा करते, पर यहाँ पर दो रूप बनाने हैं, पठत पठेति भी बनाना है और पठत पठदिति विकल्प से प्ररूप करना है। तो तकार को विकल्प से प्ररूप होगा, जब एक बार प्ररूप हो गया तब तो पठत पठेति बन गया, और जब प्ररूप नहीं हुआ तब सूत्र लग जाएगा झलाम जसोन्ते पदान्ते झलाम जसस्यु, पद के अंत में झल है तो उनको जस हो जाता है, तो पद 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 हो गया पटक पटक, और पटक पटक में जो त है वह पदांत भी है और झल भी है, तो पटाखे ऐसे ही उनको जस फटता हो है, जाता फूटता है, पटाखे ऐसे ही फूटता है, पटाखे है। हाँ, ऐसे ही फूटता है। और उसी का ही अव्यक्त अनुकरण ध्वनि है, उसी का ही पटाखे का ही पटक पटक दीदी, तो पटक पटदिति। यहाँ पर जलाम सुनते से तकार को जब प्ररूप नहीं हुआ तो जलाम सुनते से जस्त हो गया और त को द हो गया, तो पटक पटदिति यह प्रयोग बन गया। इस तरह से दो बार अब हम, उच्चारण का क्या फल है? हाँ, दो बार उच्चारण का फल यह है, आमरेडित संज्ञा हो जाने के कारण विकल्प से प्ररूप होगा। जी ये जो नामरेडित स्यान्त्यस्य दुवा, इस सूत्र से विकल्प से प्ररूप करना ही यहाँ फल है और कोई फल नहीं है, ताकि दो रूप बन सके। पटक इसका कोई विशेष अर्थ पटेति नहीं, अर्थ कुछ नहीं विशेष है, अव्यक्त जी अनुकरण संधि के प्ररूप को समझाना समझना मात्र है, इतना ही तात्पर्य है। जी यहाँ कोई अव्यक्त अनुकरण है, उसका कोई अर्थ तो निकल नहीं रहा है, तो जी बस इतना ही है। जैसा कि सर जी ने कहा कि यहाँ पटाखे फोड़ने पर जो आवाज आती जी है, पटक पटपट की आवाज आती है, उसी का ही अनुकरण कर रहा है, उसी की जी नकल कर रहा है। अनुकरण एक प्रकार का कट पेस्ट, नकल जी करना, इस तरह से केवल वो अनुकरण मात्र है उसका, तो जी ये काम है। आज हमारा नेटवर्क साथ नहीं दे रहा है, जी हम, नेट बाधा हाँ, वही नेट की प्रॉब्लम आ रही है। हम आज कक्षा को यहीं पूर्ण करते हैं, क्योंकि इस समय बहुत नेटवर्क की स्थिति बहुत काफी वैसी आ रही है, अतः आज हम यहीं कक्षा पूर्ण करते हैं, और श्रवण दीर्घ का प्रकरण हम कल चलाएंगे। आज जी यही नेट की कुछ दुविधा हो रही है, उसके कारण हो रही है, हमको बार बार काटना पड़ रहा है, एक सूत्र तो तो है आज गुरुजी, यहाँ यहीं झला पर पूर्ण करते हैं। झलाम जसो अंत्य, एक हाँ, सूत्र सवर्ण दे तो इसके बाद है ना जस्ट हो गया, जस्ट हो गया, पटत जी पटदिति प्रयोग बन गया, जी आप सभी इसीलिए को तो द हुआ नमस्कार। ना, इसीलिए तो द बन गया, तो झलाम जसो अंत्य बन के तो हो गया ना, वो हाँ, क्या है जी, ठीक हाँ, है। पदांत जल को जस होता है तो ठीक है आप सभी को नमस्कार, नेटवर्क की प्रॉब्लम है, आज यहीं पर ही कक्षा पूर्ण करते हैं, जी। कल गुरु मिलते जी हैं, कल फिर। जय ठीक है नमामि नमामि शुभरात्रि। नमामि नमामि नमामि। सतीश जी भाई सबको नमो नमः। हरे महादेव, प्रभु जी हरे महादेव, किं चलति कथम अस्ति। सम्यक अस्मि, भवान वदतु। अहम तो कुशली अस्मि, योग विषय किं जातम् भवतां तु अभूत्। मम तो व्याकरण तो